I love my India. I love my India. स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज हैं हम अभी कासाब्लांका में और आज हमको लेनी है मोरक्को की ट्रेन जो कि हमको लेके जाएगी मराकेश। तो भाई मोरक्को उन देशों में से एक है जिसमें मतलब अफ्रीका में ट्रेन है, मतलब अफ्रीका में 10-12 देशों में तो ट्रेन होगी। इजिप्ट में है, मोरिटेनिया में, मतलब उसको ट्रेन तो नहीं कहेंगे पर एक तरह से ट्रेन ही कह सकते हो, जिसमें मैं गया था। फिर भाई आपकी शायद साउथ अफ्रीका में भी होगी, फिर इथोपिया जिबूटी में है, फिर तंजानिया में है, कीनिया में है। तो 10-12 देश अफ्रीका में ऐसे है 50 में से जिसमें ट्रेन है। और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड रेलवे पूरे अफ्रीका में जिसकी है वो है मोरक्को। यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी है, नॉर्मल ट्रेन भी है, लोकल ट्रेन भी है, ट्रैम्स भी हैं। तो कल हम स्टेशन से जाके टिकट बुक करा के आ गए थे। टिकट बुक करानी बहुत आसान है, वो सब मैं ट्रेन स्टेशन में जाके आपको समझा दूंगा। अभी यहाँ से मराकेश की हमारी ट्रेन है दोपहर में 12:30 बजे, चलती रहती हैं ट्रेनें, मतलब 11:30, 12:30, 1:30, 2 बजे, सब काफ़ी सारे टाइम्स चलती रहती है। और यहाँ से लगभग 2 घंटे 40 मिनट लगाती है ट्रेन और 250 किलोमीटर लेके जाएगी। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में 250 किलोमीटर, तो मतलब काफ़ी तेज़ी होगी ट्रेन, मतलब एवरेज स्पीड 100 की तो मेंटेन करेगी। तो अभी चलते हैं भाई हम खाना खाने, पहले देखते हैं कि खाने में क्या मिलता है। यहाँ पास ही में मैकडोनल्ड्स है, वो देखते हैं अगर वो खुला हुआ तो। वैसे मैकडोनल्ड्स तो खुला होगा पर एक ना चिकन सैंडविच बनाता है एक बंदा यहाँ पे, जो कल रात को खाया था वो मन है यार खाने का, पर वो कह रहा था 12 बजे खुलेगा। चलो चेक कर लेते हैं एक बार खुला है या नहीं, पर ना मैकडी से पैक करा के चलते हैं। ये आ गया भाई देखो मेन चौक कासाब्लांका का, मतलब मेन तो नहीं है वन ऑफ द मेन है, और सामने यहाँ पर मैकडी है। तो भाई मैकडी पे खाना डिसाइड कर लिया हमने क्योंकि यहीं पर जल्दी से बना देंगे, 11:20 हो चुके, 1 घंटे बाद ट्रेन है, तो फटाफट खा के चलते हैं। तो खाना भाई खा लिया है यहाँ पे, टैक्सी मैंने करीम ऐप से ऑर्डर करी है और आने लग रही है। तो पता नहीं पहली राइड फ्री है या 20 दिरहम का कुछ डिस्काउंट है, तो 20 ही लग रहे थे तो फ्री हो गई राइड हमारे लिए। पर करीम यहाँ पे लीगल नहीं है, मतलब जो पिछला टैक्सी वाला आ नहीं पा रहा था ना एयरपोर्ट पर, आपको याद होगा, तो वो भी यही मैसेज करके बता रहे थे कि यहाँ पे ऑथराइज नहीं है ये। चलो देखते हैं, देखो सारी लाल लाल टैक्सी आ रही हैं, इन्हीं में से कोई सी होगी हमारी। भाई आपने थोड़े दिन पहले मेरे इंस्टा पे स्टोरी देखी होगी कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो यार इंडिया के लोग कैसे चला रहे हैं, ऐसे मत चलाओ, अच्छे से चलाओ ये वो, क्योंकि भाई मैं उस टाइम में अमेरिका वगैरह से घूम के आया था 2-2.5 महीने बाद, फिर चाइना गया, वहाँ पे भी सब सलीके से चला रहे थे, अमेरिका भी सब सलीके से चला रहे थे। अभी हम आ गए यहाँ पे स्टेशन, आ गए कासा वॉयजर्स, और हमने टैक्सी कर ली थी भाई, टैक्सी वाला बिल्कुल नॉर्मल चला रहा था जैसे इंडिया में हम लोग चलाते हैं, इधर से काट दी उधर से काट दी, किसी बंदे के ऐसे चला दी वैसे चला दी, मतलब जो मतलब अमेरिकन लोगों के हिसाब से बहुत अजीब हो जाता है। मैं तो देखो 85 दिन रह के आया था अमेरिका, भाई को तो चक्कर आ गए क्योंकि 8-9 सालों से रह रहे हैं, तो भाई को ऐसे कह रहे अबे कैसे चला रहा है, अबे भाई उड़ाएगा क्या, मैं कह भाई नॉर्मली तो चला रहा है। नहीं मैं कह रहा था बंदा पता है कैसे, जैसे कोई सड़क क्रॉस कर रहा है, बंदे ने पैर रखा उसके ऊपर से ही चढ़ा, हाँ तो इंडिया में भी ले जाएगा भाई बंदा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, भूल चुके हैं। तो जो मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा था ना कि भाई यहाँ पे लोग ऐसे चला रहे हैं, 5-5 लेन लगा रहे हैं 2 लेन की सड़क पे, क्योंकि वो भाई 60-70 दिन जब आप रहते हो ना कहीं पे, और वैन चलाई थी मैंने भाई की तो मेरे को आदत हो गई थी, तो भाई ये सब देख के ना वो दिमाग में बैठ जाता है कि यार सब लोग अच्छे से क्यों नहीं चला रहे, तो वो मैं बता रहा था। चलो ठीक है, भाई को भी आदत पड़ जाएगी थोड़े दिनों में, 8 साल बाद बेचारे अमेरिका से निकले हैं किसी ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। चलो भाई यहाँ पे पहुँच गए गार दे कासा वॉयजर्स, ये दूसरा स्टेशन है देखो, कासा पोर्ट मैंने आपको दिखाया था, ये वाला दूसरा स्टेशन है, यहाँ से हमको ट्रेन मिलेगी अब मराकेश की। करीम ऐप पे मैंने आपको बताया था ना करीम इलीगल है, तो हम लाल कलर की गाड़ी ढूंढ रहे, गाड़ी आ गई काले रंग की, नंबर भी अलग था भाई जो करीम से, और मैंने उसको वो बंदा हमको ऐसे कह रहा आ जाओ, मैंने कहा करीम से आ जाओ ऐसे बोला वो, तो हम जल्दी से बैठ गए क्योंकि मेरे को पता था ऑलरेडी कि ये करीम यहाँ पे इलीगल है, क्योंकि उस दिन उस बंदे ने बता दिया टैक्सी वाले ने, तो हम बैठ गए। चलो सही है, बंदे ने छोड़ दिया, फ्री में ही आ गए क्योंकि ऑफर में आ गए थे, और पता नहीं यहाँ पे एक लड़की मिली कहती टेक केयर ऑफ योर फोन यहाँ पे, वैसे तो यार किसी ने नहीं कहा, वो लड़की पता नहीं क्यों कह रही थी कैसे टेक केयर ऑफ योर फोन, ठीक है चलो देखी जाएगी, अब तो चोरी होएगा तो होएगा, इतनी भड़क लेके नहीं चल सकते। पर तो यहाँ पहुँच गए, चलो अब चलते हैं स्टेशन के अंदर। भाई ये पहुँच गए स्टेशन पे, अपनी है ट्रेन नंबर 114 आखिरी वाली मराकेश जो जाएगी 12:35 प्लेटफॉर्म नंबर 6। ये स्टेशन भी बिल्कुल मतलब कासा पोर्ट जैसा ही है, देखो मैकडी है, स्टारबक्स था पीछे,
और मतलब दो चार दुकानें और हैं, थोड़ा मतलब कासापोर्ट से ज़्यादा बड़ा है ये, मेरे को लग रहा है ज़्यादा मेन स्टेशन है, कासापोर्ट वाला एंड स्टेशन है। लो भाई ये टिकट है हमारी कासा वॉयजर्स मराकेश, यहाँ से जाना है अंदर। भाई ये था स्टेशन और अब जा रहे हैं नीचे हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। मतलब यहाँ पे भी चाइना वाला हिसाब था, अगर मतलब जहाँ से जो ट्रेन है वो उसी प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हो, वहीं से एंट्री लेनी पड़ेगी। अभी तो ट्रेन ही नहीं लगी, भाई कह रहे थे चलो चलो, भाई को देखना था ट्रेनें कैसी होती है, अमेरिका में तो चलती नहीं ना। ये भाई मेरे को लग रहा है यहाँ की बुलेट ट्रेन है, डबल डेकर वाली, ये लोकल है जो मतलब एयरपोर्ट वगैरह जाती है, हाँ यही है लोकल वाली। भाई मेरे को लग रहा है हमारी ऐसी ही ट्रेन आएगी। मोरक्को में भाई बुलेट ट्रेन भी चलती है, पर पूरे मोरक्को में नहीं चलती वो, अभी थोड़ी कम लाइन बिछाई है उन लोगों ने। टेंजियर से कासाब्लांका तो चलती है, मेरे को इतना तो पता है, या फिर टेंजियर से रबात भी चलती है, मतलब रबात तो बीच में आता है, पर शायद मराकेश तक इनकी फुल्ली फास्ट वाली बुलेट ट्रेन शायद नहीं चलती, मेरे को पक्का नहीं पता, देखते हैं हमारी वाली कैसे आती है। अभी इस तरफ से जा रही मालगाड़ी, इस तरफ खड़ी है वाली ट्रेन, और उस वाली प्लेटफॉर्म पर खड़ी है एयरपोर्ट वाली। भाई मेरे को लग रहा था ये वाली ट्रेन आएगी है तो मस्त लग रही है, ये देखो कितनी लोकल ट्रेन आई है हमारी, यही वाला डिब्बा है हमारा 24। भाई ये तो इन्होंने खड़ी तो पीछे ये वाली ट्रेन कर रखी है दिखाने। भाई ये डिब्बा है और हमको तो हमारे साथ स्कैम हो गया है, ये ना मेरे को लग रहा है फ्रांस से इन्होंने खरीदी होगी, जो इनकी फ्रांस की बिल्कुल डिब्बा ट्रेन हो चुकी होगी, तो ऐसी है भाई। ये देखो कितने पुराने जमाने के इसमें ऐसे लगते हैं, हम तो पता है ऐसे गिर रहा है, मैं कह रहा बंद कैसे हो गया, बंद नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा, ऐसे लगता है। ठीक है भाई चलो 1000 रुपये में पहुंच जाएंगे। भाई शीशे तो बिल्कुल ख़राब हो रखे हैं इसके, कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। भाई ये अपना डिब्बा, मैं तो सो गया था तो अभी बाहर चल रहा है भाई रेगिस्तान। भाई दोनों तरफ पूरा पूरा रेगिस्तान आ चुका है ये तो, अभी चले हुए हो गया होगा हमको 1 घंटा और 15-20-25 मिनट से तो रेगिस्तान ही चल रहा है। देखो भाई ये देखो ये आया है एक स्टेशन, गार दे बेंगुएरर। चलो भाई, भाई यहाँ उतर गए हम मराकेश के स्टेशन पे और ये लिखा है गारे दे मराकेश, मतलब फ्रेंच यूज़ करते हैं ना ये, तो गारे का मतलब ट्रेन स्टेशन ही होता है। तो सामने है भाई ट्रेन स्टेशन, आप देख सकते हो, तो संटी भाई भी उतरने लग रहे हैं। भाई ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 3:14, पर ये ट्रेन लगभग 3:10 पर ही पहुँच गई थी। ये जितनी ट्रेन लग तो लोकल सी रही थी पर ठीक थी, साइलेंट थी, मतलब थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी पर ठीक ठाक साइलेंट थी। पर यार यहाँ पर धूप कितनी तेज़ होने लग रही है मराकेश में, क्योंकि चारों तरफ वो ये रेगिस्तान है, दिन में धूप होएगी, रात को बहुत ठंड हो जाएगी। तो अब देखते हैं कैसे क्या, हमको होटल पे जाना है, होटल तो हमने बुक कर दिया, हॉस्टल करा इस बार, देखते हैं मोरक्को में कैसे क्या हॉस्टल रहते हैं। 3:19 हो रहे हैं, अब यहाँ से स्टेशन के अंदर चलते हैं, टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हैं और फिर जाएंगे बस लेके अपने हॉस्टल की तरफ। भाई ये है मराकेश का ट्रेन स्टेशन, अंदर से काफ़ी छोटा है, मतलब कासा पोर्ट के मुकाबले लंबाई में छोटा है, वैसे चौड़ाई में सेम ही है। मैकडोनल्ड्स देखो यहाँ पे भी है, स्टारबक्स भी होगा, ये वो रहा स्टारबक्स, मतलब इनका ट्रेंड है क्या, मतलब हर स्टेशन पे मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स रखना। तो यहाँ पे लिखी हुई ट्रेन्स कहाँ कहाँ जाती है भाई, आप देख सकते हो वेस्ट टेंजियर, काफ़ी सारी जगह ट्रेन जाती है भाई यहाँ से, मतलब कासाब्लांका जितनी कनेक्टिविटी नहीं है पर ठीक ठाक आपको मिल जाएगी कनेक्टिविटी। और ये है स्टेशन के बाहर का नज़ारा, ये लग रहा है पूरा कि रेगिस्तान में आ गए हम, ऐसी रंग की बिल्डिंग, मैकडोनल्ड्स की KFC बाहर भी है और सही ठीक ठाक मौसम हो रहा है। ये देखो मराकेश का ट्रेन स्टेशन। तो भाई आज हमको हॉस्टल तक जाने के लिए वॉकिंग भी कर सकते हैं पर थोड़ा दूर है हॉस्टल और टैक्सी वैक्सी लेने का मन नहीं है, तो यहाँ पर बस भी जा रही है, यहाँ से ऑब्वियसली टैक्सी वाले ज़्यादा पैसे लेते, तो बस जा रही है, बस हमको छोड़ देगी क्योंकि हमने ऐसी जगह होटल बुक किया है कि वहाँ पे वैसे भी टैक्सी अंदर नहीं जा सकती, टैक्सी वाला हमको बाहर ही छोड़ के जाएगा, मतलब एक होता है ना पुरानी सी जगह में। तो अब यहाँ से बस लेते हैं, बस का भी पता चल जाएगा भाई कैसे क्या चलती है बस, और चलो चलते हैं।
भाई मेरे को थोड़ा ना रश यहाँ पे कासाब्लांका से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, और यहाँ पे ना स्कूटी भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, और इनमें से एक स्कूटी वाला हमारे पास भी आया था कि टैक्सी 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 करते हुए। हमने कहा नहीं चाहिए भाई, टैक्सी काय बात की, हम बस में जाएंगे। आ जाओ भाई, कितना मस्त नज़ारा है देखना, ऊपर से एक बंदा वो खींचने लग रहा है, बोर्ड उसका दीवार में अटक गया, ओ खींच दिया अभी चार दीवार तोड़ दी। इंडिया में तो ऐसे सब्जी खींचते हैं। तो भाई ये पुरानी सी बस देख के तो हम डर गए थे कि ये क्या है, पर ये वाली बस में चलते हैं। तो भाई ये बस में आ गए हम अंदर, 5 नंबर बस है ये, और जाने लग रहे हैं मरेकेश की सड़कों पे। 4 दिरहम टिकट है, ड्राइवर को सीधे चेंज दो और आपको टिकट दे देगा, मतलब चेंज नहीं भी दोगे तो आपको टिकट दे ही देगा, वो खुले भी दे देगा, मतलब वापस। यूरोप वगैरह की तरह नहीं है कि आपने जितने पैसे डाले मतलब वो चले गए, खुले भी वापस दे रहा है ड्राइवर। एसी तो नहीं चल रहा वैसे, पर ठीक है। ये देखो ये पुरानी वाली है, इसको देख के हम डर गए थे, इसको देख के हम डर गए कि भाई ये क्या इतनी पुरानी बस पूरी भरी पड़ी थी, ये खाली है। भाई यहाँ हम उतर गए अपने हॉस्टल के पास, अब यहाँ से भी भाई अंदर मदीना के जाना है हमको 18 मिनट की वॉकिंग। संटी भाई, भाई मेरे को तो वॉक करने में मजा आता है, आई बॉर्न फॉर वॉकिंग। इस बार आप सही खेल गए, एक बैग ला के, मेरे पास 2 है ना भाई। मैं तो हमेशा इतना बैग पैकर बनू, ये थोड़ी ना 2-2 बैग करके कौन घूमता है, ये इतना छोटा बैग होना चाहिए। ऐसा लग रहा है भाई वापस से इजिप्ट में आ गया, इजिप्ट में यही चलाते रहते हैं लोग, वहाँ पे बैठ जाओ जी, बैठ जाओ हमारी बग्गी में बैठ जाओ, चाहे 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, वो तो इजिप्ट वाले तो ऐसे करते रहते हैं। यहाँ भीड़ है भाई, यहाँ फॉरेनर्स भी ज़्यादा दिख रहे हैं, और यहाँ की टैक्सियाँ ऐसे रंग की हैं, रेगिस्तानी रंग। भाई ये आ गए हम मतलब बाजार से एरिया में आ गए, यहाँ पे सारे इतने सारे घोड़े भाई, घोड़ा बग्गी, और यहाँ पे फॉरेनर देखो कितने सारे दिखने लग रहे हैं। सामने पूरा बाजार आ गया, और यहाँ पे कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, तो टैक्सी हम लेके भी आते हैं ना तो पैसे वेस्ट हो जाते हैं हमारे बिल्कुल। भाई यहाँ पे जूस वगैरह है तो यहाँ पे हम जूस पिएंगे। How are you भैया? Good भाई। हिंदी आता है? भाई हिंदी गाने गा रहे हैं। भाई इन्होंने तो गाने रट रखे हैं पूरे, माइक लगा दिया। शाहरुख खान का गाना गा दिया यार। I love my India. I love my India. Nice, you're good singer. Good? You good? I like it, Bollywood. How you like Bollywood? भाई अभी यहाँ पे जूस ले लिया, थके आ रहे आए थे तो जूस पी लेते हैं। तो भाइयों ने पूरे गाने वाने गा दिए, अभी 20 दिरहम का जूस था ये। तो भाई देख लो जूस की दुकान वाले भाई, पता नहीं कहाँ से सीख के आ गए गाना आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। भाई उसने वो भी दूसरा शाहरुख खान का भी अच्छा गाना गाया था उसने। हाँ पूरा यादगार रखा था बंदे ने। तो मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी देश में भाई इंडिया की बड़ी इज्जत करते हैं, 1-2 देशों के अलावा। चलो अब चलते हैं हॉस्टल की तरफ, ये पूरी मार्केट अभी लगी पड़ी है। अरे चश्मे लेने हैं, चश्मे लेने थे आपको, चलो बाद में ले लेंगे, आ जाओ। है भाई संटी भाई को पता नहीं, चश्मे लेने का बड़ा शौक है तो यहाँ ले रहे हैं, ज़्यादा ही बोल रहा है, $15 थोड़ी ना होते हैं इन सब चीज़ों के। भाई इन गलियों में से जा रहे हैं हम, भाई सारे ही फॉरेनर बैठे दिख रहे हैं यार, देखना है ना संटी भाई, यहाँ सारे ही फॉरेनर है। मेरे को लगता है कासाब्लांका एक दिन रुकते हैं बस, फ्लाइट लेते हैं और यहाँ आ जाते हैं लोग सारे, वहाँ तो कोई दिखा ही नहीं, बहुत कम थे, सारे ही मराकेश आ रखे हैं मेरे को लग रहा है। ऐसा लग रहा है भाई पुरानी दिल्ली में आ गया हूँ, है ना। संडी भाई मुड़ जाओ, यहाँ मुड़ जाओ। भाई ये आ गई हमारी गली देखो। भाई गली है कि गुफा है? ये एक एक गुफा लग रही है भाई। भाई देखो यहाँ से हम आए चल के, एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, एक रास्ता इस तरफ, एक रास्ता इस तरफ, एक रास्ता इस तरफ, कितनी पतली पतली सड़कें हैं, ऐसा लग रहा है वेनिस में आ गया, वेनिस में थी ऐसी सड़कें। पुरानी दिल्ली है।
कितना शांत हो गया ना एरिया एकदम से ही। भाई ये मेरे को याद आ गया, मैंने तो धूम मूवी में देखा है, धूम मचाले में वो बाइक नहीं लेके जाता बंदा, yes. वो कुर्सियां वगैरह फेंकते हैं, चारपाई हैं, ये सारे टाइगर धूम बूम सारी मतलब ऐसी जगह शूट हुई है, पतली पतली गलियां जहां बाइक ही आ सकती है बस। भाई अगर इस सिटी में आपको छोड़ दें कि होटल ढूंढना बिना जीपीएस के मैं तो बोल रहा हूँ आपको यही सड़क पे सो रहा हूँ यहाँ तो कोई बता भी नहीं। ऐसी काफी सारी एंशियंट सिटीज हैं जैसे जेरूसलम हो गई, कायरो हो गई, और भी काफी सारी हैं मैं भूल रहा हूँ अभी, जिनमें ऐसी बिल्कुल पतली पतली गलियां, क्योंकि उस टाइम गाड़ियां वाड़ी होती नहीं थी लोगों के पास, तो बहुत हजारों साल पुरानी सिटीज होती थी ये, कि बस लोग पैदल चल पाए। देखना वहां से जाना है भाई हमको चलो तो एक ही बंदा निकल सकता, देखो ज्यादा बंदे आ गए तो ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। ये लोग घर हैं, लोगों ने अभी टूरिस्ट सिटी बन चुकी है तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने होटल बना दिए। देखो ये भी होटल ही होगा कोई। भाई मैं एक बार आपका अपना रूम दिखा देता हूँ। ये रूम है, ये मेरा बेड है, ये संटी भाई ने ले लिया, और वहाँ पे टॉयलेट है। ठीक है चलो बाहर चलते हैं, बाहर दिखा चलो। ऐसा है पूरा हॉस्टल। चलो चलो चलो। तो भाई आपको मैंने अपना हॉस्टल दिखा दिया। वैसे यार इस हॉस्टल का नाम है बोहो 27। भाई फोटोज वगैरह में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, पर एकदम से यहाँ तेज स्कैम सा हो गया। मतलब जिनके रूम ऊपर है उनका सही है, हमारा रूम सबसे बेकार है, क्योंकि उसमें क्या हुआ यार कि मतलब जो भी रिसेप्शन टाइप पे आ रहा है ना, सीधा मैं लेटा हुआ दिख रहा हूँ उस बंदे को। मतलब मैं उल्टा पड़ा हूँ, सीधा पड़ा हूँ, जैसा भी पड़ा हूँ ना उस बंदे को मैं दिखूंगा सीधा। यार कम से कम ऐसा अगर तुम बना रहे हो तो एटलीस्ट पर्दे लगा दो, और कम से कम फोटो में तो दिखाओ। मतलब ये मान लो कि ना जैसे ये गेट है ना, सीधा मैं पड़ा हुआ दिखूंगा अंदर ठीक है। तो भाई ये थोड़ा देख के दिमाग सा खराब हो गया, थोड़ा वाईफाई भी थोड़ा ऐसे डिफेक्टिव सा चल रहा है कि अब क्या इतना दिमाग चलाना। तो अब चलते हैं भाई इंडियन रेस्टोरेंट। ओ भाई ओहो, यहाँ तो यार कासाब्लांका से ज़्यादा शोर है यार, है ना धुआं धुआं कैसे कर दिया इन लोगों ने। तो अभी ओल्ड सिटी में ही चल रहे हैं हम, ऐसे पुराने पुराने घर लग रहे हैं। देखना भाई इसमें तो तरेड़ आ रखी है पूरे घर में, लकड़ियां भी लगा रखी है, गिर ना जाए दीवार। तो अब चलते हैं भाई इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि कल हम पूरा टाइम लोकल ही फूड खाएंगे, हमने ये डिसाइड करा है, क्योंकि कल हम पूरे दिन घूमेंगे मराकेश। तो भाई यहाँ तो इतना शोर हो गया, एकदम से मेरा दिमाग सा खराब हो गया। कासाब्लांका में तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे इतने टूरिस्ट है ना मेरे को लग रहा है, इसलिए लोग तो खैर वहाँ पे ज़्यादा रह रहे होंगे। पर देखो अब एकदम से शांत हो गया, एकदम से खाली खाली गलियाँ आ गई। तो ठीक है यार हॉस्टल की बात हो गई, अब चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट खाने। यहाँ से 500 मीटर दूर ही एक रेस्टोरेंट है, मैंने हॉस्टल आने से पहले ही देख लिया था, क्योंकि अब सुबह से सिर्फ मैगडी खाए ना, तो एक बार ढंग का इंडियन खाना खाना ही पड़ेगा, तभी जाके पेट भरेगा। कल भाई संटी भाई की पूरी दिल की तमन्ना मैं पूरी कर दूंगा कि पूरे दिन भाई हम लोकल खाएंगे कल, ठीक है भाई। आपको पता है ना कि मोरक्को में भी लेटेस्ट में ही बहुत खतरनाक एक अर्थक्वेक आया था, तो मेरे को लग रहा है कि भाई ये भूकंप की वजह से हो रखा है। देखना भाई, अरे भाई कैसी गलियों में से जा रहे हैं, मेरे को तो डर और लग रहा है कि भूकंप आते सारा ढहेगा ये। भाई ये है बॉम्बे इंडियन रेस्टोरेंट, और इसमें बस इतना ही है बैठने का ना। तो भाई हॉस्टल भी मेरा ऐसा ही है, जो रिसेप्शन में बैठे हैं सब मेरे को देखेंगे उल्टा पड़ा हुआ यार रेस्टोरेंट भी ऐसे ही है भाई, जो भी सड़क पे चल रहे हैं हमको सब देखेंगे। पता है होटल का तो रूम ऐसा है, कोई भी बंदा घुसेगा ना आपके पहले मार के निकलेगा भाई ये आ गई थाली अपनी, चार टाइप की सब्जी, चावल, ये क्या है रायता, गुलाब जामुन, और एक गार्लिक नान, और एक गार्लिक नान और मंगा लेंगे, फिर एक थाली में सर जाएगा दोनों भाइयों का। तो भाई खाना वाना खा के आ गए थे, और ये आईफोन ऐसा है भाई, मैंने 3 वीडियो रिकॉर्ड करी और ये हैंग हो जाता है। मतलब इसके सॉफ्टवेयर में इतनी बड़ी दिक्कत आ रखी है ना। देखना भाई कर रहा है रिकॉर्ड, अभी रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ ठीक है। तो इतनी बड़ी दिक्कत आ चुकी है भाई आईफोन में, तीनों वीडियो सब डिलीट हो गया, मतलब डिलीट नहीं हैंग हो गया, तो वो रिकॉर्ड करनी ही बंद कर देते थे हम लोग, सीधे से आए थे हम। तो खाना बहुत टेस्टी था भाई, अब आपको कल मैं घुमाऊंगा मराकेश का शहर। ये गलियों में चलते हुए मज़ा आ रहा है भाई मेरे को तो। अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।